विधानसभा चार में कांग्रेस पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी पंकज संघवी का जनसंपर्क द्वारकापुरी बिलसी चौराहा पर साईं मंदिर में दर्शन के साथ प्रारंभ हुआ। यहां पर बड़ी संख्या में उपस्थित कार्यकर्ताओं ने मंचों से भी जोरदार स्वागत किया। विधानसभा चार के कांग्रेस प्रत्याशी सुरजीत सिंह चड्ढा ने कहा कि हम इस बार चार नंबर से भी लोकसभा का चुनाव जीतेंगे। इसके लिए बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं की टीम अभी से तैनात हो गई है। घर घर से पंकज संघवी का पुष्पहार पहनाकर स्वागत किया गया। इस दौरान कांग्रेस नेता दीपक राजपूत, रोहित यादव, रविकांत मिश्रा, अशोक वर्मा के नेतृत्व में द्वारकापुरी क्षेत्र में पंकज संघवी का भव्य स्वागत किया गया। कांग्रेस के हाथ, भाइयों बहनों याद रखिएगा, रविवार 19 मई सूरज की पहली किरण के साथ कांग्रेस के पंजे का बटन दबाकर देखिए, चुनाव चुनाव होता है, चुनौतीपूर्ण चुनाव तो ही आप भी जानते हैं। चार नंबर एक सीट कठिन सीट है और हम सब मिलकर लड़ेंगे। हम उस करीब करीब हम उसके पास या हम चुनाव जीतेंगे, इसका आप विश्वास करिए। जब सुरजीत भाई को इतना कॉन्फिडेंस तो होगा। पंकज दादा ने जब महापौर का चुनाव लड़ा था, जब भी 3,3200 वोट की लीड बची थी, और मुझे पूरा आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि इस बार हम चार नंबर से चुनाव जीतेंगे। और निश्चित रूप से हम लोग जो हमारी बूथ के कार्यकर्ताओं पर मेहनत कर रहे हैं, अब हमने नियम बना लिया है कि सुबह 3-4 घंटे और शाम को 4 घंटे वार्डों में घूमेंगे और बूथ के वर्कर को उसकी जवाबदारी देंगे। कहीं ना कहीं हम लोग जवाबदारियां देने में चूक जाते थे, पर इस बार हम लोगों ने जवाबदारियां दी है और उसका नतीजा है कि सारे लोग आपको युवा दिख रहे हैं इतनी तादाद में। देखो, यहाँ पे तो हमारा जो वार्ड है, इसमें स्थिति पिछली बार से देखें तो बहुत कमजोर थी, लेकिन इस बार हमने पूरी ताकत लगाई है और पूरी प्लानिंग से काम चल रहा है। एक एक घर जा रहे हैं, एक एक बूथ पे हम मजबूत हमारे बैठने वाले बिठा रहे हैं। 5-5 की टीम बना दी है और पूरी ताकत लगा दी है हम लोगों ने। ये तो आपको देखते हुए सर, कार्यकर्ताओं में कितना जोश है, कितने कार्यकर्ता युवा इतनी धूप के अंदर पंकज जी का जो स्वागत, आप पूरे वार्ड में देखेंगे सबसे भव्य वार्ड क्रमांक 85 में स्वागत होगा, वो पूरे वार्डों में आपको स्वागत कहीं नहीं मिलेगा। क्योंकि यहाँ के युवा जितने लोग कांग्रेस को चाहते हैं वो किसी को नहीं चाहते। पंकज संघवी देने वाला कैंडिडेट है, जनता के लिए हमेशा सुख दुख में खड़ा रहता है। जनता को वो कैंडिडेट चाहिए जो जनता का साथ दे। पंकज संघवी ऐसे हैं कि बगैर पद पर रहकर भी जनता की सेवा करते हैं। हम इतना जोश है कि आप देख रहे हो, इतनी धूप में भी सब कार्यकर्ता पैदल चल रहे हैं। हमारा प्रत्याशी पैदल चल रहा है। जो लालवानी थे वो पूरे जीप में इन्होंने इसका वार्डों का पूरे का दौरा करा है।